उनका चल रहा है, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है, आदर्श कोऑपरेटिव सोसाइटी और वो सब अभियुक्त जेल में, जेल में गिरफ्तार हो गए, गिरफ्तार हुए, ऐसा नहीं है। नहीं नहीं, तो वो चल रहा है, इसको संजीवनी एक बड़ा घोटाला है, संजीवनी एक बड़ा घोटाला है, और उसमें चालाकी क्या हुई है, चालाकी क्या हुई है कि जनरली क्या होता है, डायरेक्टर्स के खिलाफ मुकदमा होता है, ठीक है, तो इन्होंने डायरेक्टर्स और उससे नाम हटवा लिया अपने, तो हाईकोर्ट ने प्रोटेक्शन दे दिया उनको, सब है ना। हाँ, तो ये क्या है, वो उसमें मैंने पहले ना केंद्रीय मंत्री का मामला होता है, आप ही कह दोगे साहब ये पॉलिटिकल कर रहे हैं, कल आप ही कहोगे हमसे, तो हम पॉलिटिकल नहीं करना चाहते, जो वास्तविकता उसके आधार पर काम करना चाहते। अब देखिए इलेक्शन के टाइम पर नहीं आ रहा, पहले भी इस पर बराबर एक साल पहले भी स्टेटमेंट दिया है सीएम साहब ने, बीच में जब भी उनसे वो लोग मिलते हैं जिनका पैसा डूबा है, वो जब कहते हैं वो फोटो तो किसका किसी के साथ हो सकता है। सुनिए सही, कोई भी व्यक्ति जो है मान लो कोई गलत काम करता है तो ये थोड़ी है कि उसको प्रोटेक्ट किया जाएगा, कोई भी व्यक्ति दोषी है चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, किसी भी दल का हो, कोई पदाधिकारी हो, उसके खिलाफ कानून काम करता है, इसमें कोई बात ही नहीं है। इससे पहले पहले भी कई बार ऐसा हुआ है, तो इस आधार पर ये नहीं है, इस आधार पर कतई वो नहीं है। ये है तो केंद्रीय मंत्री का इन्वॉल्वमेंट है, फिर आप लोग ये कहोगे सब पॉलिटिकल आधार पर किया जा रहा है, राजनीतिक आधार पर आरोप प्रत्यारोप किया जा रहा है, नहीं वो तो एसओ जी ने देख रही है, हो जाएगा। हम तो कहते हैं करवा लो ना, ईडी से जांच करवा लो, ईडी तो उन्हीं की है ना, ईडी इस जांच को ले ले, स्वसंज्ञान ले ले और ले ले भाई, बता दे वो, चलो हम मान लेंगे, नहीं लेंगे नहीं देंगे, क्योंकि ईडी तो मान लीजिए कल 24 के बाद सरकार नहीं रहे बीजेपी की, फिर क्या करेंगे, इसलिए वो भी डर रहे हैं। तो ये कई इश्यूज हैं, तो जी कार्रवाई करेगी, मुख्यमंत्री जी खुद कह चुके हैं, एसओ जी लिटरली क्या है कि ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट नहीं। अब देखिए क्या होता है, कोई केंद्रीय मंत्री है तो कोई भी एजेंसी बड़ा फूक फूक कर कदम रखते हैं, कोई ऐसा गलत नहीं हो जाए, तो इसलिए वो अपनी इंक्वायरी पूरी परफॉर्म वो गृह मंत्री हैं। अब वो चीज तो गृह मंत्री जो रिपोर्ट एसओजी रिपोर्ट करती है गृह मंत्री को, तो नेचुरली अब ये चीजें ऐसी हैं जो कि जब इन्वेस्टिगेशन हो तो मैं उसके लिए अधिकृत नहीं हूँ कुछ चीजें कह दूं, जब तक कि फाइनल एसओजी रिपोर्ट नहीं दे दे, चार्जशीट शामिल नहीं हो जाए। हाँ तो वो तो मुख्यमंत्री जी ने कहा है तो बिल्कुल सही कहा होगा, ऐसा थोड़ी है कि बिना तथ्यों के आधार पर मुख्यमंत्री, मैंने रिपोर्ट वो रिपोर्ट है जिसमें घोटाला की रिपोर्ट थी ना, एसओजी की रिपोर्ट नहीं पढ़ी मैंने, जो जो मार्केट में सर्कुलेट हुई उस रिपोर्ट को मैंने देखी, हाँ उसमें है बिल्कुल निशान, बिल्कुल बिल्कुल थी ये मैं कह सकता हूँ।